भारत की कुल जनसंख्या में 25 वर्ष से कम आयु वालों की संख्या 50% से अधिक है। यही उम्र छात्र जीवन की होती है। भारत में छात्र राजनीति का इतिहास 200 साल पुराना है। भारत में कई छात्र नेता हैं जो भारतीय राजनीति के फलक पर चमक रहे हैं। मिलिए ऐसे ही छात्र नेताओं से। सुषमा स्वराज ने 1970 के दशक में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के साथ हरियाणा में राजनीतिक कैरियर की शुरुआत की थी। पटना यूनिवर्सिटी से वकालत की पढ़ाई करते हुए लालू प्रसाद यादव पटना यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष बने। 1973 में छात्र संघ चुनाव जीते। ममता बनर्जी 1970 में कोलकाता में कांग्रेस के छात्र संगठन छात्र परिषद के साथ जुड़ी और तेज तर्रार महिला नेता के तौर पर उभरी। प्रफुल्ल कुमार महंत असम के गुवाहाटी से वकालत की पढ़ाई करते हुए प्रभावशाली छात्र संगठन अखिल असम छात्र संघ से जुड़े और 1979 में उसके अध्यक्ष भी बने। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हुए छात्र नेता के तौर पर उभरे और बिहार अभियंत्रण महाविद्यालय स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष भी रहे। सीपी जोशी 1973 में राजस्थान के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के छात्र संघ के अध्यक्ष थे। असम के मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल असम गण परिषद से जुड़े 2001 में विधायक बने और 2004 में सांसद। डी राजा अपने गांव में ग्रेजुएशन की डिग्री लेने वाले पहले छात्र थे। वह मद्रास विश्वविद्यालय में पढ़ाई करते हुए छात्र राजनीति से कदम बढ़ाया। अलका लांबा 1995 में NSUI के टिकट पर चुनाव लड़ी और बड़े अंतर से जीत हासिल की थी। सपा के कद्दावर नेता आजम खान भी AMU छात्र के सचिव रहे थे। भारत के 9वें प्रधानमंत्री चंद्रशेखर भी छात्र नेता से ही राजनीति में आए थे। छात्र नेता से आए बीपी सिंह देश के 8वें प्रधानमंत्री बने। वह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे। आरिफ मोहम्मद खान ने राजनीति में लंबी छलांग लगाई। सबसे पहले 1977 में जनता पार्टी के विधायक बने थे। AMU में पढ़े जाकिर हुसैन देश के तीसरे राष्ट्रपति बने थे। सीताराम येचुरी 2 बार JNU छात्र संघ अध्यक्ष थे। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली भी छात्र राजनीति में खासे सक्रिय रहे। 1974 में हुआ ABVP के टिकट पर छात्र संघ चुनाव लड़े और अध्यक्ष बने। प्रकाश करावत JNU छात्र संघ के तीसरे अध्यक्ष थे। बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी भी छात्र जीवन से राजनीति में सक्रिय हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी भी छात्र राजनीति में सक्रिय रहे हैं। केंद्रीय मंत्री विजय गोयल भी छात्र राजनीति से निकले हैं। 1977 में वह दिल्ली विश्वविद्यालय अध्यक्ष का चुनाव जीत चुके हैं।